नमस्कार दोस्तों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी अभी आप सभी छात्रों का JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आप लोग का मैट्रिक लेवल परीक्षा 2024 का अभी अभी आप लोग का रिजल्ट को अभी अभी PDF फाइल में जारी कर दिया गया है, जिसका एग्जाम 29 सितंबर को कंडक्ट करवाया गया था। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप सभी छात्र लोग अपना जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से चेक करेंगे, कहां से आपको लिंक मिलेगा और कैसे आप लोग अपने PDF लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप सभी छात्र लोग को आना होगा अपने मोबाइल के गूगल पे। आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली से सर्च करना पड़ेगा जानकारी अपडेट, आपको ये लिख के आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जानकारी अपडेट, आपको सिंपली से इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। फिर सभी छात्र लोग को थोड़ा सा नीचे आना होगा और नीचे आना जैसा कि आपका हम दिखा देंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट, ठीक है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है JSSC मैट्रिक लेवल रिजल्ट 2024, ठीक है, आपको सिंपली से इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा। फिर आप सभी छात्र लोग को थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट लिंक और यहाँ पर लिखा हुआ है JSSC मैट्रिक लेवल रिजल्ट डाउनलोड 2024 और यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक है, ठीक है। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ब्लू वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से PDF लिस्ट खुल जाएगा। तो आप सभी छात्र लोग अपना अपना यहाँ पर रोल नंबर वाइज यहाँ पर आप लोग अपने रिजल्ट को काफ़ी आसानी के साथ चेक हुआ डाउनलोड कर पाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।